से मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं नियम सुनाना चाहता हूँ। पहला नियम, सत विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मेरा नाम सौरभ आर्य है, मैं दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं इंग्लिश में 10 नियम सुनाना चाहता हूँ। पहला नियम, गॉड इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज दैट कैन बी नोन थ्रू इट। मैं केशव आर्य, कक्षा सातवीं का छात्र। मैं आपके समक्ष आर्य समाज के 10 नियम संस्कृत में प्रस्तुत करूंगा। सर्व सत्य विद्या पदार्थ श्रव विद्या जयंते तेषां आदि मूलम परमेश्वर एव। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्याय करे दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्व्यापक सर्वयंत्रामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करने योग्य है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज, God is existent, intelligent and blissful. He is formless, omniscient, just, merciful, unborn, endless, unchangeable, beginningless, unqualified, the spot of all, the master of all, omnipresent, imminent, immortal, fearless, eternal and holy, and the creator of all. He alone is worthy of being worshipped. Yeah. ईश्वर है सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्व्यापक सर्वयंत्रयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता व्रत तत्व से उपासनीय। तीसरा नियम, वेद सत्यों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज, द वेदास आर स्क्रिप्चर ऑफ ट्रू नॉलेज, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल आर्य टू रीड देम, टीच देम, हियर देम, बीइंग रीड एंड रिसाइट देम टू अदर्स। वेद है सर्वासां सत्य विद्यानां पुस्तकम्, वेदस्य पठन पाठनं श्रवण श्रावणं च सर्वेषां आर्याणां धर्मः। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में श्रद्धा उद्यत रहना चाहिए। Fourth principle of Arya Samaj, we should always be ready to accept the truth and give up untruth. Chatvara, satya grahanaya satya tyagaya cha sarvada prayatniyam. Panchva niyam, sab kaam dharman sa artha satya aur satya ka vichar karke karne chahiye. Fifth principle of Arya Samaj, all action should be performed in conformity with Dharma, that is after deliberating what is right and wrong. Panch, sarvani karmani dharmanugunam satya asatyam vicharya karniyani. Chhatta niyam, sansar ka upkar karna is samaj ka mukhya dasya hai, arthat sharirik aadmik aur samajik unnati karna. Sixth principle of Arya Samaj, the prime object of Arya Samaj is benevolence of the world, that is to promote physical, spiritual and social good of everyone. Shat, sansaropkar hai asya samaj asya mukhya udeshyam arthat shaririki aatmiki samajiki cha unnati karanam. Swato niyam, sabse preet guruvak dharman sari yatha agya vartana chahiye. Seventh principle of Arya Samaj, our conduct towards all should be guided by love, righteousness and justice. Shakt, sarve pritya dharmanusaram cha vartitvayam. Atvanyam, avidya ka nas aur vidya ki vriddhi karni chahiye. Eighth principle of Arya Samaj, we should aim at dispelling ignorance and promoting knowledge. Asht, avidya nashaya vidya vriddhi cha karniya. नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज, वन शुड नॉट ओनली बी कंटेंट विद वन्स ओन वेलफेयर बट शुड लुक फॉर इट इन द वेलफेयर फॉर अदर आल्सो। नौ, प्रत्येक सब उन्नति एवं न संतोष स्वयं अपितु सर्व उन्नतो सब उन्नति मंतव्य। दसवां नियम, सब मनुष्य को सामाजिक स्वार्थकारी नियम पालने में प्रतनता
ईश्वर हैं। And principle of Arya Samaj. One should regard oneself under restriction to follow the rules of society calculated to promote the well-being of all, while in following the rules of individual welfare, all should be free. दशम मनुष्य सामाजिक सर्वहितकारी एवं निवर्तित एवं किंतु आत्मोपयोगी नियम पालने सर्वे स्वतंत्रता। बहुत अच्छे। और आदरणीय नंदराम जी, आपको 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सुनो, इन बच्चों के पैसे ले लें।